वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पोहर और आपको स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। आई होप कि दुर्गा पूजा और नवरात्रि आप लोगों ने बहुत अच्छे से बिताए हैं माँ के आने की खुशी में। और इस बार एक से बढ़कर एक पूजा का पंडाल बनाया गया है, बहुत ही यूनिक तरह से बनाया गया है। हम लोग चले गए हैं नेताजी क्लब में देखने के लिए। आप देख सकते हो तो माता की जो मूर्ति है बहुत खूबसूरत तरह से बनाए गए हैं एंड सबको यहाँ के माँ के दर्शन के लिए आए हैं। और देख ही सकते हो हम लोग सिटी सेंटर में चले गए थे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड थे, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे फिर से दूसरा पंडाल देखने के लिए। चले गए थे शांतिपाड़ा देखने के लिए। वहाँ पर हूबहू मायापुर के जो इस्कॉन टेम्पल है बिल्कुल उसी की तरह है। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए हैं यहाँ का मूर्ति देखने के लिए, दुर्गा माँ का मूर्ति देखने के लिए। एंड अंदर में थोड़ा सा बहुत ही यूनिक तरह से बनाया गया है मंडप, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये है हम लोग की माँ की मूर्ति, सच में मेस्मराइजिंग है। नेक्स्ट है एगिए चलो संघ जो मेलार मठ में है। और ये वीडियो मैंने ली षष्ठी के दिन। हम लोग चले गए थे, देखा कि लोग भीड़ कम थे, सोचा कि चलो देख लेते हैं वरना बाद में नहीं देख पाएंगे। ओह माय गॉड, माँ की मूर्ति इतनी अच्छी लगी मुझे। एंड वो लोग तब भी काम कर रहे थे बट मैंने यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा ले ली, बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा है। जो भी देख रही हो सब कुछ अच्छा लग रहा है, इतना अच्छे तरह से बनाया गया है इस बार। देखिए लाइटनिंग की तो बात कुछ और ही लेवल की है इस बार। एंड नेक्स्ट हम लोग चले गए थे चित्तरंजन क्लब, जहाँ पर हमें हमारे महाकाल के दर्शन होते हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे प्रवेश के अंदर, आप देख सकते हो कि जो झूमर लगाए है इतना लाइटनिंग इतना अच्छा है। और जो मेन पंडाल का जो झूमर है वहाँ पर जो आर्ट किया गया है उसका कलर इतना वाइब्रेंट थे, बहुत ही यूनिक लग रहे थे, बहुत ही अच्छा कलरफुल है बिल्कुल। माँ आने से जैसे खुशी होते हैं ना सबको, कलरफुल ज़िंदगी बना देते लोगों को, सच में बिल्कुल ऐसे ही है। एंड यही एक टाइम होता है जब आप ड्यूरिंग पूजा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत दिनों बाद ही से ही आप इंजॉय कर सकते हो, एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट वन इज कुंजोबन क्लब। यहाँ का जो थीम है बिल्कुल अवतार का जो थीम है उसी को रखा गया है। आप देख सकते हो कि जो अंदर में है इनसाइड एरिया पे ब्लूइश एंड पिंकिश जैसा कलर कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है। और अवतार का जो कुछ रूप होता है या थीम होता है या वहाँ पर जिस तरह के लुक्स दिखाए गए थे बिल्कुल उसी की तरह बनाए गए हैं। एंड जो माँ का मूर्ति है वो भी बहुत यूनिक है एंड जो कलर है बिल्कुल बहुत ही मैच कर रहे थे उस थीम को, सच में बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर यहाँ नाम रखा गया इसीलिए क्योंकि श्री कृष्ण जी और राधा माँ के थीम से प्रेरित होके, इंस्पायर होके प्रेम मंदिर का जो थीम है बिल्कुल यहाँ पर वो उसी मंदिर को दर्शाए गए हैं। चलिए देखते हैं अंदर में माँ की मूर्ति को किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है। अंदर का जो पंडाल बनाया गया उसका थीम पहले तो पिंक कलर के थे एंड जो अंदर जो मेन पंडाल थे जहाँ पर माँ की मूर्ति बनाए गए थे वहाँ का कलर थे ब्लू कलर। एंड साइड में बहुत तरह का चित्र था वहाँ पर, दैट मीन्स पेंटिंग। एंड एक एक पेंटिंग का बहुत ही मीनिंग है वहाँ पर, मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे सच में मीनिंग है तो मुझे इतना नहीं मालूम। माँ दुर्गा का जो वस्त्र पहनाया गया है बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये मैं हूँ एंड आज के लिए यही तक है आप लोगों के साथ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।